सर ने अभी आपको बता दिया था, पर वो सर का भाव था थोड़ा ज्यादा ही हो गया। पर सारी मेहनत और आज जो कुछ भी मैं हूँ या मेरा जो परिवार है जो आज इन खुशियों को जी रहा है, वो सब की सब सर मदनलाल जी चौधरी साहब की वजह से, उनके मार्गदर्शन की वजह से। जब मैं आया था जोधपुर में, छठी क्लास में था और मुझे वापस पांचवी में बिठाया क्योंकि मेरे को अंग्रेजी का ए फॉर एप्पल नहीं आता था, और आपके अथक प्रयास ने मुझे सिखाने में काफ़ी मदद करी। और मेरी मम्मी ने आपको पूरी छूट दी थी कि जितना पीट सको पीटो, जितना कुछ दंडित कर सकते हो करो, सुबह से शाम तक यहाँ रखो, पर हमें रिजल्ट चाहिए। और आप ही के इतने सहयोग और मार्गदर्शन की वजह से आज जोधपुर में जहाँ पर भी खड़े होते हैं, जिस कोचिंग में जाते हैं, वहाँ इतना सम्मान मिलता है तो मन से गर्व की अनुभूति होती है। और जब भी श्री गणेश की बात करता हूँ तो सर ने ये जो स्लोगन लिखा है, श्री गणेश फॉर गुड लीडर ऑफ टुमारो वी नीड स्कूलिंग टुडे। तो आज जो हम लीड कर पा रहे हैं, जो पेडागोजी हमारे को सिखाई गई, जो आज मैं इतने स्टेज पर बोल पाता हूँ, तो सब कुछ इसी गणेश स्कूल और इसी गणेश स्कूल के इस परिवार की वजह से। तो मैं अपने जीवन भर ऋणी रहूँगा। और आप सबसे भी यही कहूँगा कि अगर विद्यार्थी की गलती पर टीचर उसको दंडित करता है तो उसका पक्ष मत लीजिए, बल्कि उस टीचर को धन्यवाद कीजिए कि हाँ मेरे पुत्र की गलती है, आप मारिए पीटिए, वो जान नहीं लेगा। लेकिन आजकल कानून बन गए वकील साहब, इस वजह से काफ़ी टीचर भी डरते हैं। और हम लोग तो वैसे ही कंपटीशन पढ़ाते हैं तो ये फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सब एडवांस पढ़े लिखे आते हैं, लेकिन इन छोटे बच्चों के लिए हर एक गलती पर टीचर को अधिकार होता है। और हम एक टीचर परिवार से होने के कारण इन बच्चों के मार्गदर्शक, इनके अभिभावक सब कुछ होते हैं। और आज अगर एक बच्चा बिगड़ता है, समाज बिगड़ता है। आज अगर एक बच्चा नाकामयाब होता है तो पूरा परिवार नाकामयाब होता है, याद रखिए पूरा परिवार। इसलिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षक जरूरी है और शिक्षण जरूरी है। धन्यवाद।